इस बार हमें पूरा भरोसा था कि बड़े विस्तृत रूप से सुंदर कांड की चर्चा करके आदि के लगे रावण हम हार देवी, लेकिन आज भी जो रह जे हैं, कैसे सुंदरी कांड पूरा नहीं भव और लंका कांड कैसे हो जाए। लेकिन अबे अबे हमारे मन में आओ कि अब ये ज्यादा दिन तक जीवित ना रखें, मसक दे अब्बान। हाँ, रावण भी कितना गजब का आदमी रहा होगा अपने जमाने, जब कथा में इतना बड़ा लंबा खिंच सकता है तो युद्ध में कितना नहीं खिंचा होगा। हम मंथन करते रहे कि हमारी कथा में जब ये रावण इतना खिंच रहा कि हम ठोकने में सबसे आगे, साधु महात्मा ब्राह्मण बालक तो मारने पीटने में, खाने में और मारने में तो पीटने में तो आगे होते ही। हाँ, ब्राह्मण बालक और साधु बालक पीटने में और पाने में, जरूरी नहीं लठ से पीटे पर बाणी से पीटते। पंडित सुई जो गाल बजावा, पंडित वही है जो गाल बजा कर जाने। हमें लग रहा था रावण रहा होगा अपने जमाने का बड़ा वेट इन वॉच, अंग्रेजी में कहें तो कमिंग सून, इंतजार कीजिए। खबर नहीं राम जी के सामने कितना ठहरा रहा होगा, पर ठहरा तो है ये पक्का। और वाह रे रावण, गजब कर दिया तूने, क्या गजब का उपद्रव किया। वाह रावण, दुश्मनी हो तो रावण जैसी के राम को भी आना पड़ा। हाँ, दुश्मनी हो तो रावण जैसी के जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, बिन पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहस आनन सहित रसल सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गृहे घ्राण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। जो भगवान निराकार ब्रह्म है, रावण की शत्रुता तो देखो, उस निराकार ब्रह्म को भी साकार बनकर के आना पड़ा। तो वाह रे रावण, अब बुरा मत मानिए, राम चर्चा की राम कथा तो आगे बढ़ाएंगे ही, आज की कथा 2 घंटे की है, तो हम सोच रहे कि केवल रावण पर चर्चा करें, केवल। आज एक दिन चर्चा की थी केवल कैकेयी पर, आज रामचरितमानस में हम केवल रावण पर चर्चा करेंगे, कैसा रहेगा? हो जाए रावण पर चर्चा, खबर नहीं कितने व्यासों ने राम जी पर चर्चा की होगी। हमने भी कई कथाओं में राम जी पर चर्चा की, लेकिन राम जी की महिमा अगर है रामचरितमानस में तो रावण से, शब्दों पर ध्यान रखना, बहकना नहीं, राम जी की महिमा श्री रामचरितमानस में अगर है, श्री रामचरितमानस में, वैसे तो सर्वत्र है बिना रावण के, पर रामायण की रामचरित्र में अगर राम जी की महिमा है तो रावण से। आप रावण का पात्र हटा दीजिए, काऊ भैया राम जी को पूछेंगे सुपर डुपर विलेन कौन रहा, रावण, तब फिर राम जी सुपर डुपर हिट हीरो बने। ये खतरनाक खलनायक विलेन रावण नहीं होता तो राम जी सुपर डुपर हीरो बन पाते। वाह रे रावण, रहा होगा अपने जमाने का वेट इन वॉच, इंतजार करो मुझे। तो कभी कभी तो बड़ा प्यारा लगता है हमें, जब दशहरा की बात आती है तो हमें बड़ा प्यारा लगता है रावण को देख करके। रावण हर बार खड़ा हो जाता है, ले आ मार, हर बार लंबा सा जगह जगह 10 मूड़ लंबा छुटका मुटका पतला रावण, जगह जगह रावण खड़ा है, और मारने वाले भी पधारो पधारो, पूज्य आचार्य जी और पूज्य महामंडलेश्वर जी विराजमान है, बड़े भाग्य। तो कल हमने कहा था महाराज जी को कि हम रावण पर चर्चा करेंगे, तो ज्यादा तो समय नहीं मिल पाया रावण पर मंथन करने का, देखते हैं गुरु जी क्या इच्छा करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे, वाह रावण क्या कहना, इनाम देने लायक, कि जितनी बार भी रावण को जलाओ वो हर वर्ष फिर दशहरा को खड़ा मिलता है। कब से नहीं जलता आ रहा रावण, कब से नहीं मरता आ रहा रावण। हम भी कई बार राम कथा कर चुके, कई बार मारो, हर बार कथा में वो मिलता है। और हर दशहरा को खड़ा मिलता है,
साधो दुश्मनी हो, शत्रुता हो, तो रावण जैसी हो। जिस दुश्मनी से राम जी के दर्शन हो जाए वो दुश्मनी बड़ी प्यारी है। जिस बैर से ब्रह्म के हाथों सदगति हो, जिन राम जी के दर्शन के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हजारों वर्षों तक तपस्या करते, जटाएं गड़ जाती, शरीर में दीमक लग जाता, बड़े बड़े देवता ब्रह्मादिक देवता शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, फिर भी राम जी के दर्शन नहीं पा पाते। पर बड़ा भाग्यशाली रहा रावण के दर्शन भी पाया, और एक दिन नहीं रोज लड़ने आता था राम जी के सामने खड़े होकर। क्या कहना रावण के बारे में। साहब हमसे कोई पूछे तो हम केवल रावण पर ही चर्चा करें, एक कथा वो तो मर्यादा में नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रावण के लिए हमारी बुद्धि में रावण अद्भुत है। रावण की मां का नाम है केकसरी, पिता का नाम था विश्वश्रवा। रावण के पूज्य दादाजी का नाम था पुलस्त, पुलस्त का नाती था रावण। और विश्वश्रवा और पुलस्त दोनों साधारण नहीं, दोनों संत। लेकिन इन संत के वंश में भी रावण जैसा आतताई हुआ। इसका मूल कारण है वर्ण संकर। केकसरी पर छाया एक ब्रह्म राक्षस की पड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप रावण जैसा आतताई प्रकट भया। एक रामायण में हमने ऐसा सुना और पढ़ा कि रावण धर्मात्मा था पहले, और इतना भी नहीं, बहुत बड़ा धर्मात्मा। रावण ब्राह्मण वंशी तो था ही, गायत्री उपासक भी था, गायत्री की उपासना करता था रावण, त्रिकाल संध्या करता था। रावण की मां केकसरी एक दिन रावण से कहती है कि बेटा और तो सब ठीक है, तेरा जो सौतेला भाई है जिसका नाम कुबेर है वो देख कितना बड़ा धनवान है, तू दिन्ना रात पूजा पाठ में विधा रहता, तू दिन्ना रात सत्कर्म में व्यस्त रहता, तू दिन्ना रात मंत्र जाप माला जाप करता रहता, कुछ खबर तो कर, नाम होना चाहिए, मुझे भी बड़ा आनंद आवे मेरा बेटा अगर नाम करवे, और नाम ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार कुबेर को सम्मान मिल रहा तुझे भी ऐसे ही कोई काम करना चाहिए। महाराज हमने सुना कि रावण कहता है कि ठीक है माँ, अगर आपकी ऐसी आज्ञा है तो हम ऐसा करेंगे। रावण तपस्या करता है, तपस्या करता तो भगवान प्रकट होते ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी प्रकट होते, रावण वरदान मांगता ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मदेव आप हमें वरदान दीजिए कि हम अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी कहते भैया अमर तो हम भी नहीं है, हमारी भी आयु के दिन फिक्स हैं, तो एक कहां से अमर कर दें, कुछ और मांग। रावण कहता तो भाई वरदान देना है तो ना हम देवताओं से मरे ना दैत्यों से मरे, ऐसा वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण को लगा कि अगर हम दैत्य बन जाएंगे, अत्याचार करने लगेंगे, ब्रह्मा जी का वरदान पाकर के अगर हम राजपाट सुख भोगने लगेंगे तो नर और बानरों का कोई दिक्कत नहीं, एक तो लंका हमारी सुरक्षित है समुद्र के इस पार, बानरों का आना मुश्किल है, नर का आना भी मुश्किल है, तो नर की तो हमें दिक्कत नहीं, देवताओं भर से हमारा युद्ध ना हो, देवता भर ना हमें मार पाए, सोई बढ़िया। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब रावण बड़ा प्रसन्न कि हमें देवताओं से मरना नहीं है, नर बानर की चिंता नहीं। सोई रावण अत्याचार करने लगा,
और अत्याचार इतना प्रबल करने लगा कि साधना और तपस्या के बल पर उसने अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर ली। रावण अपनी कुलदेवी का ज्यादा उपासक था, कुलदेवी की बड़ी अर्चना वंदन पूजन करता था, तो बड़ी उपासना करता था रावण। और भजनानंदी भी बहुत था, भजनानंदी इतना कि जब तक त्रिकाल संध्या, जब तक वो सत्कर्म पर चलता रहा त्रिकाल संध्या करता रहा। फिर एक दिन रावण विचार करता है कि देवताओं से सम्मान दो ही रास्ते से पाया जा सकता, एक तो एक अच्छे रास्ते से, एक बुरे रास्ते से। और व्यक्ति का नाम भी दो रास्तों में ही होता है, या तो बहुत अच्छे कर्म करे तो नाम होता है, या बहुत बुरे कर्म करे तो नाम होता है। बीच वालों जो 50-50 करे तू कोनो दिन को नहीं बचाता। हाँ, कछु आदमी हमने देखे कछु धन, अरे सीताराम 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 सीताराम, कछु धन दे धना धन कटमा कर। प्रकांड लाल महाराज, अरे हम तो कर कर मर गए, हमाओ कछु न बहु ठटरी के भरे। एक नाव पे कोनो पे पांव रख, या तो बढ़िया धर्मात्मा बन या बढ़िया पापी बन, नंबर एक को। अब बुरा मत मानना, हमसे कोई पूछे कि महाराज पापी बने कोई दिक्कत, हम कहते हैं, हम तो कहते कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम पापी बन रहे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर पाप भी करना तो इतना उच्च लेवल का करना रावण जैसा, ताकि राम के दर्शन। हाँ, अधूरे ना करियो के आगे के लगे, नरक भी मिले और पाप भी करो और भगवान ना मिले।